माई चैनल आई एम सुप्रणा एंड यू आर वॉचिंग सैम्स एक्सप्लोर। सो आज मैं आ गई हूँ रामोजी फिल्म सिटी और मेरे साथ मेरे पापा और मेरे सिस्टर भी आए हैं। ये फिल्म सिटी का टिकट काउंटर मैंने ऑनलाइन रखा है, बट यहाँ पर काउंटर में एक बार शायद जाना पड़ेगा, वो देख के फिर आपको बताऊँगी। तो यहाँ से आपको बस मिलेगा और जो टिकट्स हैं वो वेरियस टिकट्स मिलता है, पैकेज सिस्टम है। तो वन डे का पूरा टूर होगा, कैसा क्या होगा, तो वेरियस पैकेजेस मिलते हैं, स्टार कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी। तो मैंने नॉर्मल वाला कैटेगरी का लिया है, विंटेज बस में टूर होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट तक वो बस में लेके जाएंगे, फिर मेरे को विंटेज बस में उठाएंगे एंड देन मैं बाकी वहाँ पे जाके देखती हूँ कैसे क्या स्टॉप्स है। तो चलते हैं रामोजी फिल्म सिटी। पे आपको खाने का दुकान, वॉशरूम सब मिल जाएगा, खाने का दुकान वगैरह है। इस साइड पे एंट्री है और सुबेनिया शॉप्स भी है इधर। तो अभी अंदर चलती हूँ। ये रहा लाइन, लाइन के अंदर घुस रहे हैं। मैंने ये कैप लिया और अभी ये वहाँ से आके इधर जा रही हूँ बस में। The memories of Ramoji Film City and a good time with the man remain with you until your next visit. The holiday destination has so much. मूवी मैजिक। तो यहाँ पर तीन डेस्टिनेशन है, मूवी तीन डेस्टिनेशन हम देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट बस लेंगे। ये पूरा वो सेट है, यहाँ सलून का सेट है, यहाँ रेस्ट रूम वगैरह भी है, फिर इधर दोस्ताना है, ये कैफेटेरिया टाइप है, एक्शन थिएटर, फिल्मी दुनिया, स्पेस यात्रा, तीनों है। जा रहे हैं का एक शो है, वो हम देखने जा रहे हैं इस टाइम। इसके अंदर होगा, जस्ट एंट्री शुरू हुआ है। अभी हम इसमें चढ़ने वाले हैं, ये इधर आएगा, एक जा रहा है, ये आ रहा है। आइए मेरे साथ, आज अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। Thank you.
फिल्मी दुनिया से निकल के कुछ शॉप्स है। यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे डायरेक्टर्स काम करते हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज करते हैं, वो दिखाया है। मिस्टर तो हम आपके कौन लगते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ये जगह एक्शन थ्रो वगैरह देखने में काफ़ी टाइम लगा। एंड फिर हम वो विंटेज बस की तरफ जा रहे हैं ताकि बाहुबली का सेट देख पाऊँ, होप सो देख पाऊँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये देखने में और हमारा आने में भी लेट हो गया था। ये हमारा बस है, इस वो जो रेड वाला बस दिख रहा है सीधा उसी बस में हम जाएंगे। ये जो सामने बिल्डिंग है इसमें सूर्यवंशम जो फेमस मूवी है वो भी शूट हुआ था। इसको हवा महल कहते हैं और ये हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस जो फेमस मूवी है वो शूट हुआ था। ये जो सामने बिल्डिंग है ये सब ओरिजिनल ऑफिस है डिफरेंट चैनल्स के। बिना क्राइम करके सीधा सेंट्रल जेल में। वाह इतना खुशी है सब लोग जेल जा रहे यहाँ पे तेरे नाम मूवी शूट हुआ था। इस सेट का जो नाम है वो भगवतम है और यहाँ पे मतलब भगवान का वो सब राजाओं का जो सेट है वो एक टेम्पररी सेट बनाया है फॉर द विजिटर्स ताकि वो देख पाए कैसे सेट्स बनते हैं। आर्टिफिशियल सेट की भावे है इटा इटा दे। यहाँ पे अभी टेम्पररी सब रखा हुआ है बट जब ओरिजिनली शूट होता है तब ये सब हटा के ओरिजिनली इंसान लोग यहाँ पर बैठते हैं चेयर्स पे। भगवतन का सेटअप देख के फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप बाहुबली पे जा रही हूँ। यहीं पर रेलवे स्टेशन भी है। और ये जो है ये एक रनवे का सेटअप किया हुआ है जो फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं तो रनवे का जो सेटअप है यहाँ पर किया गया है। और अभी हम फाइनली जा रहे हैं बाहुबली के सेट के तरफ और वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे दिखेगा।